हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ये नॉइज़ के जो बड्स हैं उसमें आपको लेफ़्ट वाला जो बड्स है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आपके जो नॉइज़ के जो ये दोनों जो बड्स हैं इसमें आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो बड्स हैं वो है नॉइज़ के VS102। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी कंपनी के या फिर नॉइज़ के कोई से भी वर्जन के बड्स हैं, आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपके जो लेफ़्ट वाले में वो आवाज़ कभी कभी क्यों नहीं आती है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने राइट वाला जो बड्स है वो अपने अपने कान में लगा लिया है, और जो लेफ़्ट वाला जो बड्स है वो अगर इससे 1 मीटर की दूरी पर चला जाता है तो ये आपस में जो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो जब तक ये आपस में पेयर नहीं होते हैं तो तब तक आपको यहाँ पर लेफ़्ट वाले में आवाज़ नहीं आती है, या फिर किसी एक में बड्स में आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी। मान लीजिए आपने लेफ़्ट वाला यहाँ पर अपने कान में लगाया हुआ है और ये जो राइट वाला है वो आपके यहाँ पर 1 मीटर दूरी पर यहाँ पर होने के बाद आपका ये जो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको इसमें यहाँ पर राइट वाले में आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर हमेशा कोशिश करनी है कि आपके ये हमेशा पास में रहे, तभी आपको यहाँ पर दोनों में आवाज़ प्रॉपर आएगी। और अगर ये सब भी आपने कर लिया है उसके बाद भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पर इनको एक बार निकालने के बाद में फिर से इसमें रखेंगे, थोड़ी देर आप यहाँ पर चार्ज कीजिए और उसके बाद आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका जो लेफ़्ट वाला जो बड्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पर ये चार्जिंग की जो पिन होती है, आप इन्हें एक बार यहाँ पर साफ़ कर लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ कचरा है, यहाँ पर कुछ भी इस तरह कुछ लगा हुआ है जिससे कि ये चार्ज नहीं हो रही है, तो उसके बाद आप यहाँ पर इसे रखेंगे और इसे चार्ज करने के बाद आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये सब भी कर लिया है तो अब चलते हैं वीडियो में आगे कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप इन्हें यहाँ पर दोनों को बाहर निकालते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइट है वो ब्लिंक करती है इसमें। तो ब्लिंक करने के बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि पहले ये खुद से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पर इनसे कनेक्ट हो चुका है क्योंकि उसका जो ब्लूटूथ है वो यहाँ पर ऑन है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं वीडियो में आगे। तो अगर आपके लेफ़्ट वाले में आवाज़ नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो लेफ़्ट वाला होता है ये अपने कान में यहाँ पर आपको लगाना है। तो कान में लगाने के बाद आपको जो राइट वाला है वो अपने केस के अंदर ही रखे। ठीक है दोस्तों, जब लेफ़्ट वाला आप इसे लगाएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें साउंड आना चाहिए कि ये जो आपका जो ये है, ये अगर इसमें आपका कनेक्टिंग का जो साउंड है वो अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका बड्स है इसमें बैटरी भी है और ये कनेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे, अब चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा वो वाला फ़ोन है जिससे हमारे ये जो बड्स हैं वो कनेक्ट हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे मैनेज ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद मैनेज ऐप्स, और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लूटूथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर डाटा। तो आप यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर डाटा ऑल डाटा करने के बाद आप यहाँ पर अपने जो ये आपके ईयरबड्स हैं आप इसे यहाँ पर दोबारा कनेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर ट्राई करेंगे कि आपके यहाँ पर दोनों में आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपके यहाँ पर आवाज़ नहीं आती है तो आप यहाँ पर बैक आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी का, और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हियरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों बहुत से दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं कि घूमते घूमते सेटिंग में आ जाते हैं और वो यहाँ पर इस ये जो आवाज़ इसे आवाज़ समझकर यहाँ पर इसे 100% कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये 100% नहीं करना होता है, ये आपको यहाँ पर 50% में ही रखना होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका ऑडियो बैलेंस कि आपके यहाँ पर जो ऑडियो है वो यहाँ पर दोनों राइट और लेफ्ट में दोनों में बराबर आए, तो यहाँ पर आपको ये 50-50% यहाँ पर आपको रखना है। तो बहुत से लोग यहाँ पर राइट में यहाँ पर पूरा 100% कर देते हैं, तो जिससे ये होता है कि आपको जो लेफ़्ट वाला जो ईयरबड्स है वो यहाँ पर आवाज़ नहीं आती है और राइट में यहाँ पर 100% यहाँ पर आपको आवाज़ देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ये सब करते हैं तो जहाँ तक आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में अगर ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपके जो ईयरबड्स हैं उनको एक बार रीसेट करना होगा। तो रीसेट कैसे करेंगे कि दोस्तों ये जो आपके नॉइज़ के जो बड्स हैं, तो यहाँ पर आपका जो केस है, इस केस में तो यहाँ पर आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है कि आप इसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो नॉइज़ की जो यहाँ पर लोगो हैं, आपको इनको यहाँ पर 4 से 5 सेकंड के लिए आप इन्हें दबा कर रखेंगे। तो जैसे आप इन्हें यहाँ पर दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक करने लगेंगी और आपके यहाँ पर ये जो बड्स हैं वो रिसेट हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर प्रेस ना करके 5 बार आपको इस तरह से टैप करना होगा, तब जाकर ये आपके यहाँ पर रिसेट होते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके जो बड्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर रिसेट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर इन्हें रिसेट करने के बाद एक बार फिर से केस में लगाइए और उसके बाद फिर से निकाल के कनेक्ट करके यूज़ कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई आपकी जो यहाँ पर लेफ्ट में आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि आपके जो ये दोनों जो बड्स हैं उसमें आवाज़ आपको यहाँ पर बहुत ही कम आ रही है। तो आप इस यहाँ पर आवाज़ कैसे बढ़ाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों ये करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉइज़ के यहाँ पर लोगो है, ये जो ये यहाँ पर ये टच सेंसर होता है, तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर गलती से इस तरह से यहाँ पर डाउन में इस तरह से रब कर दिया होगा तो आपके यहाँ पर ये जो बड्स हैं उनमें आवाज़ बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें आवाज़ आ रही है, और मैं अगर इस तरह से करा मैंने यहाँ पर किया है, नीचे को डाउन किया है, तो देखिए आवाज़ यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ पर ये रब किया तो इसमें यहाँ पर जो आवाज़ है वो यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसे इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए है ना दोस्तों, यहाँ पर ये अभी देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोन तो मेरा दूर है और ये दूसरे हाथ में मेरा ये वाला बड्स है। ठीक है, देखिए देखिए आवाज़ कम हो जाती है ना, और जैसे हम इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ रब करते हैं तो ये आवाज़ बढ़ जाती है। अगर आपके फ़ोन में भी दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से आवाज़ को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।